आफताब सिद्दीकी आरटीआई एक्टिविस्ट या कहें सच की सिपाही, जिन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई और 3 सालों तक लगातार हक के लिए लड़ती रहीं। अब जाकर आखिरकार बीएमसी ने आरोपी बिल्डरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यकीनन सच की सिपाही की ये पहली कामयाबी है। सच की सिपाही की पहली कामयाबी, अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई। बीएमसी आरोपी बिल्डरों के खिलाफ जांच करेगी। सच की सिपाही आफताब सिद्दीकी को 3 साल बाद पहली कामयाबी हाथ लगी है। बीएमसी ने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार बिल्डरों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। कार इलाके में बिल्डरों की दादागिरी के खिलाफ आफताब सिद्दीकी ने आज से 3 साल पहले लड़ाई की शुरुआत की थी। कम से कम 3 साल से वी आर फाइटिंग फॉर आफताब जी। अगर नहीं होते तो मेरे को बैंड्रा का नक्शा कुछ अलग ही दिखता। एंड ये जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दिस इज बिकॉज BMC officials, they are taking bribes and the community is facing it. सच की लड़ाई में आरटीआई एक्टिविस्ट ने बीएमसी से लेकर सीएम तक सबसे कार्रवाई की अपील की, लेकिन हर जगह इन्हें सिर्फ दिलासा ही मिलता रहा। फिर आफताब सिद्दीकी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। इस दौरान 83 साल की इस महिला को कई बार जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन इनका नेक इरादा फिर भी डगमगाया नहीं। पहले तो हैट्स ऑफ टू आफताब की उसने इतनी लड़ाई झगड़ा करके यहाँ 3 साल कोई छोड़, और जबकि वो खुद टीचर है, शाम को आराम बहुत लेट पहुंचती है तभी भी वो वक्त निकालती है। दूसरा ये है कि आज मनीषा महेश्वर ने बोला है कि एक्शन लेंगे, लेटर सी वो कितना सच जाता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट ऑफिशियल यही बोलता है और कोई भी अपने जूनियर स्टाफ के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता या एक्शन नहीं लेता। लगातार 3 सालों तक आफताब सिद्दीकी न्याय की लड़ाई लड़ती रही और अब बीएमसी ने आरोपियों के खिलाफ जाँच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज डेस्क, TV9।